अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज 7 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस जो क्वेश्चंस थे 8 तक के क्वेश्चंस हम इसके प्रीवियस पार्ट्स में कर चुके हैं, जो कि मेरी प्रीवियस वीडियोस में मौजूद हैं। अगर आपको उनके सॉल्यूशन चाहिए तो इसके प्रीवियस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आप जरूर देखिए। यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ये गिवन है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन के इंटरसेप्ट हमें गिवन है कि एक्स एक्सिस के उसके इंटरसेप्ट है 6 0, राइट, और वाई इंटरसेप्ट का एक्सिस है 0 5। हमें क्या करना है, बेसिकली हमें इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन लिखनी है टू इंटरसेप्ट फॉर्म वाली। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी हमारे पास। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन टू इंटरसेप्ट फॉर्म अगर हमने लिखनी है तो आपको याद होना चाहिए हमने किस तरह से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखी थी इंटरसेप्ट फॉर्म में। एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1, राइट। अब इसमें ये जो ए है ये बेसिकली एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू है और ये जो बी है ये वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू है। तो अगर आप अपने क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे हमें ए और बी की वैल्यूज मिल जाएंगी, क्योंकि जो एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट है वो कट हो रहा है 6 0 पे, राइट। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमें मिल गई है, यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई है हमारे पास 6, और वाई इंटरसेप्ट का जो हमें पॉइंट गिवन है ये है 0 5, यानी कि बी की वैल्यू आ गई है हमारे पास 5। तो हमें अपनी इक्वेशन दिखानी है टू इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो ए की जगह पे हम एक्स इंटरसेप्ट रखेंगे जो कि है 6, और बी की जगह पे हम उसका वाई इंटरसेप्ट रखेंगे जो कि है 5 इक्वल्स टू 1। तो बेसिकली ये हमने इक्वेशन को लिख दिया है टू इंटरसेप्ट फॉर्म की। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू है 6 और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू है 5। तो इस तरह से ये बहुत इजीली हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है जिसमें हमने हर लाइन का स्लोप और वाई इंटरसेप्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक बात आप याद रखिएगा कि जब भी हमें इस तरह से स्लोप या वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो हम अपने इक्वेजन को कंपेयर करवा सकते हैं किसके साथ, इसके स्टैंडर्ड इक्वेजन के साथ, यानी कि वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ। अब यहाँ पे एम जो है बेसिकली एम इज द स्लोप एंड वॉट इज सी, सी इज दी वाई इंटरसेप्ट, राइट। तो ये अगर दोनों चीजें हमने फाइंड आउट करनी है तो अपनी कोई भी इक्वेजन ऑफ लाइन को इससे कंपेयर करवा देंगे। तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करवाती हूँ, वाई वाई है 12x इज इक्वल टू एम एक्स, तो यहां से मुझे एम की वैल्यू मिल गई यानी कि स्लोप की वैल्यू मिल गई जो कि 12 है, और सी सी इज बेसिकली द वाई इंटरसेप्ट और यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है -6, तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू -6। तो इस तरह से हमने इसका स्लोप और y इंटरसेप्ट को आइडेंटिफाई कर लिया, राइट। m स्टैंड फॉर स्लोप, ये मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है, एंड c स्टैंड फॉर y इंटरसेप्ट। अब इसी तरह से हमने इस इक्वेशन की भी स्लोप और y इंटरसेप्ट ही फाइंड आउट करनी है। तो इसको कंपेयर करवाएं हम किस इक्वेशन के साथ जो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, कंपेयर विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, राइट। अब ये जो इक्वेशन हमें गिवन है y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2x, इसको रीअरेंज करें, x की टर्म को पहले ले आइए, तो y माइनस 2x प्लस 5। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, लेट्स से मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन ए और इसको नाम दे दिया इक्वेशन बी, इसको जब कंपेयर करेंगे तो y है तो यहाँ पे भी y है, एम एक्स है तो ये -2x है। तो यहां से कंपैरिजन करने के बाद मुझे स्लोप की वैल्यू मिल गई जो कि -2 है, और वाई इंटरसेप्ट की भी वैल्यू मिल गई जो कि कांस्टेंट है यहाँ पे 5, राइट। तो इस तरह से हमने इस लाइन का भी स्लोप और वाई इंटरसेप्ट को आइडेंटिफाई कर लिया। अब ये नेक्स्ट नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट वी हैव टू रीअरेंज द गिवन इक्वेशन। तो ये y को आप राइट साइड पे ले आइए तो पॉजिटिव हो जाएगा,
और 4x+13 अपनी जगह पे ही मौजूद है। तो अब अपने इस इक्वेशन को कंपेयर कीजिए स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, कंपेयर विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, और स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, y इज इक्वल्स टू mx+c। ये इक्वेशन को आप कह देंगे a है, इसको कह देंगे b है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहां से भी मुझे स्लोप मिल जाएगा जो कि है 4, और कांस्टेंट वैल्यू जो कि y इंटरसेप्ट है वो मुझे मिल जाएगा जो कि है 13। राइट, तो इस तरह से हमने इसका स्लोप और y इंटरसेप्ट को आइडेंटिफाई कर लिया। अब यहाँ पे मेरे पास अगली इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 4x। जब मैं इसको कंपेयर करवाऊंगी y इज इक्वल्स टू mx+c के साथ, तो x का कोफिशियंट स्लोप होता है, यहाँ पे x का कोफिशियंट है 4, तो मेरे पास स्लोप तो आ गया जो कि है 4, लेकिन y इंटरसेप्ट इधर मौजूद ही नहीं है तो हम लिखेंगे 0। राइट, तो इस तरह से हमने इसका भी स्लोप और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर लिया। बस आप इसको कंपैरिजन करवाए इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, जब आप कंपैरिजन करवा लेंगे तो इन दी एंड अपना रिजल्ट दे दें कि इसके स्लोप की वैल्यू क्या है और इसका y इंटरसेप्ट c जो कि 0 है। ये मैंने शुरू में ही मेंशन कर दिया था कि स्लोप को हम रिप्रेजेंट करेंगे m से और y इंटरसेप्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे c से। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है 4x+8y+2 इज इक्वल्स टू 0, और हमने इसके एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे दो तरीके हैं कि हम इसके एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके यहाँ पे मेंशन करती हूँ, जो तरीका आपको ज्यादा सुटेबल लगे आप वो अडॉप्ट कर लीजिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अगर एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है, फॉर एक्स इंटरसेप्ट, तो आप क्या करें, वाई इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दीजिए अपनी इक्वेशन में। तो मेरे पास इक्वेशन है 4x+8y+2 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करूंगी, इसमें 4x y की जगह पे 0 पुट कर दूंगी तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू 2 जब दूसरी साइड पे आएगा तो -2 हो जाएगा, और 4 यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो x इंटरसेप्ट आ जाएगा हमारे पास -1/2। राइट, अब मुझे y इंटरसेप्ट निकालना है, तो सेम इसी तरह से y इंटरसेप्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें x की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी। जब x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन है 4x+8y+2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, प्लस 8y+2 इज इक्वल्स टू 0। तो 8y इज इक्वल्स टू -2, देन y इज इक्वल्स टू -2/8, 2 1 2, 2 4 8, तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास -1/4। राइट, तो इस तरह से x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट के रिजल्ट्स आ गए हमारे पास। लेकिन अगर हमने दूसरा एक प्रोसीजर है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, जो टू इंटरसेप्ट फॉर्म वाली इक्वेशन है उसके जरिए से अगर मुझे सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन, टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x/a+y/b इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं एक काम ये करूं कि अपनी इस इक्वेशन को इस फॉर्म में ले आऊं, तो जो a की वैल्यू बनेगी वो x इंटरसेप्ट की होगी और जो b की वैल्यू बनेगी वो y इंटरसेप्ट की होगी। तो मेरे पास इक्वेशन ये है 4x+8y+2 इज इक्वल्स टू 0। पहले तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, या अब पूरी इक्वेशन को ही हम 2 से डिवाइड करवा देते हैं, तो ये बन जाएगी 2x+, ये बन जाएगा 4y, और यहाँ पे आ जाएगा +1 इज इक्वल्स टू 0। राइट, अब मुझे क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लेके आना है, यानी कि इक्वल्स टू 1 लेके आना है यहाँ पे। तो इक्वल्स टू 1 लेके आना है, तो 1 को यहीं पे रखते हैं, बाकी दोनों टर्म्स हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, -2x-4y इज इक्वल्स टू +1। राइट, अब इसको, ये जो -2 है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, -1/2, और ये जो 4 है
इसको हम डबल डिनोमिनेटर में इस तरह से भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 1। तो आप जब कंपेयर करें इस इक्वेशन को अपनी इस इक्वेशन के साथ, तो ए की वैल्यू आ रही है -1/2 और बी की वैल्यू आ रही है -1/4। इस तरह से हमारे पास यही रिजल्ट आएंगे कि ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक्स इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी रिप्रेजेंट कर रहा है वाई इंटरसेप्ट को। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि ए की वैल्यू -1/2 है और बी की वैल्यू -1/4 है, जो कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यूज हैं। तो आपको जो तरीका सही लगे आप उसको अडॉप्ट कीजिए। मेरा ख्याल है कि ये ज्यादा बेटर है कि जब एक्स इंटरसेप्ट निकाल रहे हैं तो वाई को जीरो कर दीजिए, वाई इंटरसेप्ट निकाल रहे हैं एक्स को जीरो कर दीजिए। अगर ये प्रोसीजर ठीक है तो इस तरह से एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यूज आ जाएंगी, नहीं तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म वाली इक्वेशन को यूज करते हुए आप अपनी एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यूज निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमारे पास दो लाइंस गिवन है, यानी कि दो लाइंस के हमें दो दो पॉइंट्स गिवन है। तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि जो लाइन वन है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एल वन के साथ, फर्स्ट लाइन इज एल वन, और ये जो एल वन है इसके पॉइंट्स क्या क्या है? एल वन के पॉइंट्स हैं 3K और 2, 7, राइट। और सेकेंड लाइन हमारे पास क्या है? सेकेंड लाइन जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एल टू के साथ, और एल टू के पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या है? -1, 4 एंड 0, 6। अब पैरेलल लाइन की कंडीशन आपको याद होनी चाहिए स्टूडेंट। पैरेलल लाइन के लिए हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास लाइंस पैरेलल होंगी तो इसका मतलब ये है के इनके स्लोप्स इक्वल आएंगे। तो हम यहाँ पे एक काम ये कर सकते हैं कि इन दोनों के स्लोप निकाल लें, M1 का भी स्लोप निकाल लें। M1 का फॉर्मूला आपको पता है, y2 - y1 / x2 - x1, राइट। अब इसमें जो वैल्यूज हम लिखने जा रहे हैं, ये मेरे पास x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है और ये y2 की वैल्यू है। तो सारी वैल्यूज उठाइए, y2 7 है, y1 k है, x2 is 2 एंड y2 is 3। तो मेरे पास m1 की वैल्यू आ गई 7 - k / -1। तो अब ये -1 है तो m1 की वैल्यू आ गई हमारे पास k - 7। ये स्लोप फर्स्ट स्लोप की वैल्यू आई है, यानी कि लाइन वन का जो स्लोप है उसकी वैल्यूज हमारे पास आ गई है। अब लाइन टू का भी स्लोप हम निकाल लेते हैं। तो लाइन टू का स्लोप किस तरह से निकलेगा? m2 = y2 - y1 / x2 - x1, और उसी तरह से ये x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू और ये y2 की वैल्यू। तो ये सारी वैल्यूज उठाते हैं, अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं। y1 है यहाँ पे 4, x2 है यहाँ पे 0 और x1 है यहाँ पे -1। तो 6 - 4 ये हो जाएगा 2 एंड 0 - -+1 = 1। तो स्लोप 2 यानी कि सेकेंड लाइन के स्लोप की भी वैल्यू आ गई जो कि है 2। तो इन दोनों स्लोप्स की वैल्यू आ गई। अब हमें ये बताना है कि के की वैल्यू क्या होगी। तो कंडीशन को यूज करना है। कंडीशन क्या होगी कि हमारे पास अगर लाइंस पैरेलल हैं तो दोनों के स्लोप्स भी इक्वल आएंगे। तो ये कंडीशन हम यूज करते हैं और यहाँ पे मेंशन करते हैं कि m1 शुड इक्वल टू m2 बिकॉज द लाइंस आर पैरेलल। लाइंस आर पैरेलल सो देयर स्लोप्स मस्ट इक्वल, राइट। तो m1 की वैल्यू है k - 7 और m2 की वैल्यू है 2। तो यहां से मेरे पास k की वैल्यू आ जाएगी, -7 जब राइट साइड पे आएगा तो +7 हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 9, और यही मेरे पास फाइनल रिजल्ट होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमने कंडीशन यूज की है वो ये कंडीशन है कि अगर दो लाइन्स पैरेलल हैं तो इनके स्लोप्स इक्वल होने चाहिए, और स्लोप जैसे ही हमने इक्वल किए तो m1 का स्लोप भी हमने निकाला हुआ था, m2 का स्लोप भी हमने निकाला हुआ था, दोनों को इक्वल किया तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 में हमें ये बताना है कि जो पेयर्स हमें गिवन है लाइंस के, जो पेयर हमें गिवन है वो आपस में पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं या कुछ भी नहीं है, मतलब नीदर।
पैरेलल और परपेंडिकुलर, इन दोनों की कंडीशन हमें पता है कि अगर पैरेलल होंगे तो इसकी कंडीशन क्या है हमारे पास, कि इन दोनों के स्लोप्स इक्वल होने चाहिए, राइट? यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं दोनों की प्रॉपर्टीज, कि अगर पैरेलल हैं, इफ लाइंस आर पैरेलल, सो लाइन वन का स्लोप और लाइन टू का स्लोप इक्वल होंगे। एक चीज तो ये आपको याद होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो इनके जो स्लोप हैं वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगे। और अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है तो इसका मतलब है ना तो लाइन पैरेलल है ना ही वो परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हम इन दोनों के स्लोप्स निकाल लेते हैं। हमारे पास लाइन वन है, लाइन वन है 2x+7, y इज इक्वल्स टू 2x+7, y इज इक्वल्स टू 2x+7। अब जब मैं इसको कंपेयर करूंगी विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू mx+c, इसको कंपेयर कीजिए, हियर m इज द स्लोप, तो स्लोप की वैल्यू आ जाएगी 2, तो m1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, राइट? दिस इज द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन। अब हमने क्या करना है, लाइन टू लेनी है। लाइन टू हमने ली, y इज इक्वल्स टू 7x-2, और अगेन इसको कंपेयर किया हमने इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन के साथ, यानी कि y इज इक्वल्स टू mx+c के साथ कंपेयर करेंगे, तो m और यहाँ पे वैल्यू आ रही है 7, तो मेरे पास स्लोप नंबर 2 आ गया है 7। तो अब आप इन दोनों स्लोप को जरा गौर से देखिए, क्या ये दोनों इक्वल है? इक्वल नहीं है, क्योंकि एक की वैल्यू 2 है और एक की वैल्यू 7 है। क्या ये नेगेटिव रेसिप्रोकल है? नहीं, ये नेगेटिव रेसिप्रोकल भी नहीं है। तो इन द एंड हम मेंशन करेंगे कि लाइंस आर नाइदर पैरेलल नर परपेंडिकुलर, राइट? तो इट्स मीन नाइदर पैरेलल नर परपेंडिकुलर वाला केस है ये, राइट? अब इसी का जो अगली इक्वेशन हमें गिवन है उसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। अगली जो हमें पेयर ऑफ लाइन गिवन है इसमें है x इज इक्वल्स टू 1, तो ये दो लाइंस हमें गिवन है, एक है x इक्वल्स टू 1 और दूसरी लाइन है हमारे पास x इज इक्वल्स टू 5 की लाइन है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, लाइन 1 लेनी है। लाइन 1 में क्या है, x इज इक्वल्स टू 1। अब ये बात मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताई थी, x इज इक्वल्स टू 1 का मतलब ये होता है कि ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, राइट? पैरेलल टू y एक्सिस क्यों हुई, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके भी दिखाऊं। अगर ये मेरे पास y एक्सिस है, ये मेरे पास x एक्सिस है, x इज इक्वल्स टू 1 का मतलब ये है कि ये x की वैल्यू 1 है, ये 2 है, ये 3 है, एंड सो ऑन। x इज इक्वल्स टू 1 का मतलब ये है कि x की वैल्यू जब 1 होगी तो ये लाइन इसी से ही पास होगी, मतलब ये इस तरह की लाइन होगी हमारे पास जो कि एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगी हमारे वाई एक्सिस के। तो इस तरह की लाइन का स्लोप मैंने आपको समझाया भी था कि इस तरह की जो लाइन होती है इनका स्लोप होता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब ये होता है 1/0, यानी कि इंफिनिटी इनका स्लोप होता है, राइट? जो पैरेलल टू वाई एक्सिस होती हैं। और जो दूसरी लाइन हमारे पास है ये भी एक्स इज इक्वल टू 5 है, और ये जो लाइन बनेगी वो यहाँ पे पैरेलल बनेगी जो कि वाई एक्सिस के ही पैरेलल होगी। तो इसका मतलब है इसका स्लोप भी अनडिफाइंड है, यानी कि इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे दोनों के स्लोप इक्वल आ गए, तो हम रिमार्क्स में लिखेंगे कि लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट? क्योंकि दोनों जो लाइन्स हैं वो हमारे पास पैरेलल टू वाई एक्सिस हैं।
अब यहाँ पे हमारे पास तीसरे इक्वेशंस भी हैं, मतलब तीसरा पेयर भी गिवन है, और तीसरे पेयर में हमारे पास है जो दो लाइंस हमारे पास हैं वो मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। एक एक्स इज इक्वल्स टू -3 और दूसरा पेयर है हमारे पास, दूसरी लाइन है वाई इज इक्वल्स टू -3। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी आपको वही लॉजिक यूज करनी है कि जो पहली लाइन है, लाइन 1 जिसको हम कहेंगे, लाइन 1 है हमारे पास एक्स इज इक्वल्स टू -3। अगेन इसका स्लोप होगा इनफिनिटी, जिसको हम अनडिफाइंड कहते हैं, राइट, क्योंकि ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है। और लाइन 2 है हमारे पास वाई इज इक्वल्स टू -3। अब ये वो लाइन है जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के, यानी कि यहाँ पे एक्स की टर्म मौजूद ही नहीं है। तो ये M1 तो ये था, अब यहाँ पे जो M2 होगा मेरे पास वो होगा 0, क्योंकि ये जो लाइन है बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे आप देखें एक्स की टर्म भी प्रेजेंट नहीं है। तो M, जब मैं इसको कंपेयर करवाऊंगी वाई इज इक्वल्स टू MX+C के साथ, तो यहाँ पे M एक्स की टर्म, एक्स का कोफिशियंट M होता है, यहाँ पे एक्स की टर्म ही नहीं है, तो इसका मतलब है इसका स्लोप 0 हुआ। तो स्टूडेंट इसका स्लोप 0 हुआ और इसका स्लोप है 1/0, राइट। तो ये नेगेटिव रेसिप्रोकल भी है कि अगर मैं माइनस भी लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, इट्स मीन द गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और दूसरी पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो इट इज प्रूव दैट द गिवन टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। इसके बाकी के क्वेश्चंस देखने के लिए मेरी अगली वीडियो जरूर देखिएगा, जो कि पार्ट 4 की वीडियो होगी।